छोड़ वंशम वंशम। मुझे पता है कि लंच के बाद आप लोगों के अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन चिंता मत करो, वो एनर्जी वापस लाने का पूरा पूरा बंदोबस्त हमने कर रखा है। अभी आप लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे। दिस इज योर सिंपल साइंस वर्कशॉप। साइंस वर्कशॉप मीन समझते हो, यानी जो चीजें आप अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते हो वही चीजें अभी आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेंगी। कि आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर पता है क्या? अपन बोलेंगे हाँ सर पता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब तुम्हें मैग्नेट लाके दे देगा, है मैग्नेट लाके देगा, क्वाइल लाके देगा, और उसके बाद बोलेगा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर बना के बताओ। क्योंकि हमने तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज को पढ़ा है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज तो पढ़ी नहीं है। सो उसी चीज के ऊपर अपन फोकस करते हैं। मैनी मैनी ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स टू प्रिंसिपल सर टू गिव द चांस टू अस ऑन दिस स्टेज एंड टू गिव द चांस टू कंसेप्ट अनफोल्डर ऑन दिस स्टेज। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। और मोस्ट डेंजरियस एसिड की अगर बात करें तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले तो वार्निंग ये है कि जितनी भी चीजें यहाँ पे हम अभी करने वाले हैं उनमें से कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको घर जाके ट्राई नहीं करना है। इसको क्या बोलते हैं? बिकर बोलते हैं। ये नाइट्रिक एसिड है वो इस फ्लास्क के अंदर आ चुका है। इस नाइट्रिक एसिड ने उस लोक को वाप बना दिया। और ये जो फम्स है इसमें श्वास लेना बहुत मुश्किल होता है। ये मेरी तरफ आ रही है तो थोड़ा साइड हट जाता हूँ मैं, इतनी अच्छी चीज़ भी नहीं है ये। नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नो इश्यू। और देखते हैं कि क्या तन्नु इसको कर पाती है या नहीं कर पाती है। छोड़ू, उठा लो पेपर। और तन्नु का थर्ड चांस भी चला गया है, पकड़ लिया इस बार तो तन्नु ने, क्या बात है। ऐसा क्यों हुआ, कोई बच्चा आंसर कर सकता है? इसको पकड़ने में इतनी क्या परेशानी हो रही है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको लगता है कि मैं कर सकता हूं? क्या नेम आपका? हाँ लता। देखो सिंपल लॉजिक क्या था इस चीज के पीछे, कि अगर आप यहां हाथ रखोगे तो आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन थोड़ा अगर यहां रख लोगे तो ये आराम से पकड़ में आ जाएगा। अब होता क्या है कि आपकी आईज के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। अरे सोडियम मेटल सुना है क्या? कैसा मेटल है? डेंजरियस। ये नॉर्मल वाटर है जो अभी इस फ्लास्क के अंदर आया। ये क्या है? नॉर्मल वाटर। अभी ये जा रहा है इस वाटर के अंदर, ये गया और इसने रिएक्शन करना स्टार्ट भी कर दिया। और अभी देखना क्या होता है, और अभी देखना क्या होता है। केमिस्ट्री इतनी भी ज्यादा बोरिंग नहीं है। अच्छा सोडियम मेटल जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि उसको आप नाइफ से भी काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो। लिथियम भी इतना सॉफ्ट होता है। लिथियम आपको कहाँ मिलेगा? मोबाइल में जो बैटरीज आती हैं, लिथियम आयन बैटरीज, उनमें लिथियम मिल जाता है आपको। ये जो थर्मोकोल है ये जाएगा इस पेट्रोल के अंदर। और अब ये कहाँ गया ये मुझे भी नहीं पता। और नमक को पानी में अगर डिजोल्व करना चाहोगे बड़े आराम से डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन अगर तुम सॉल्ट को पेट्रोल में डिजोल्व करना चाहोगे नहीं होगा। हमने रिसेंटली अपने इस चैनल पे कंसेप्ट अनफोल्डर पे रॉकेट्स बनाए थे जिनके अंदर हमने जो फ्यूल यूज किया था ये वो फ्यूल है। तो इसमें दो चीजों का अपन यूज कर रहे हैं। एक तो घर के अंदर काम आती है जो चीनी, अरे शुगर, शुगर को हमने पीस रखा है बिल्कुल बारीक। और दूसरा है हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट। अभी देखो गौरव इसके अंदर आग लगा रहा है, लगा दो भाई।
इतनी फास्ट तो पेट्रोल भी नहीं बर्न होता। जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो हमने यहाँ पे रख दिया है। ये हमारे पास ब्रेक ऑयल है। क्या है? ब्रेक ऑयल। इस बार हम आग खुद नहीं लगाएंगे, इस बार अपने आप आग लगेगी खुद से। ये जो ब्रेक ऑयल है मैं डाल दिया इसके अंदर, और थोड़ा सा वेट कर लो क्योंकि रिएक्शन में टाइम लगता है। अभी आग लग जाएगी, बस ये देखो। ये 99.99% प्योर एथेनॉल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेथल होता है, जानलेवा है, इसको पीते ही डेथ हो जाएगी। देखो ये बात तो कंफर्म है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। आ रही है ना, तभी बल्ब ग्लो कर रहा है। चलो अभी प्राची का ये टेस्ट करते हैं कि क्या प्राची को करंट लगता है कि नहीं लगता। ये कह रही है कि मैं दो वायर आ रहे हैं, देखो इसके अंदर से दो वायर है सिंपल, और ये एक वायर है ना वो हमने बीच में से हटाया हुआ है। देखो एक बार दिखाता हूं मैं, पकड़ना माइक। देखो ये वाला वायर है ना, इसको मैंने अलग किया, बल्ब बंद हो गया। जैसे ही इस वाले वायर को टच किया बल्ब वापस से जल गया, और इस वायर को टच कर लोगे आप, कर लोगे इस वाले को टच कर लोगे, अब प्राची मना कर रही है। पहले क्या हो रहा था? अरे करो, मैं कह रहा हूं ना, कंसेप्ट सनफोल्डर पे भरोसा नहीं है। अरे करो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन घर पे जाके ट्राई मत करना, ठीक है? अगर मैं इस वायर को ऐसे टच करूंगा ना, यहां से पकड़ूंगा और अब यहां से पकड़ूंगा, बैंकर करंट लग जाएगा, क्योंकि करंट ऑलवेज चूज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप अगर एक कोई सीधा रास्ता है उससे आओगे, या फिर एक घूम के रास्ता आता है उससे आओगे? हाँ, कई कई क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चे कहेंगे सर हम तो घूम के आएंगे उधर से, उसमें ज्यादा ठीक रहता है, टाइम लग जाता है। हाँ, तब तक स्कूल पहुंचेंगे छुट्टी हो जाएगी, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट है वो मिक्स हो गया है वाटर के अंदर, और अभी इसको हम डाल रहे हैं किसमें? हाइड्रोजन परोक्साइड में। तो ये हाइड्रोजन परोक्साइड के अंदर गया, और ये देखो ये है एलिफेंट टूथपेस्ट। अच्छा, जितना आप इसमें डालेंगे और निकलता जाएगा, देखना ये देखना। अभी नीचे है ना हाइड्रोजन परोक्साइड, बहुत नीचे बच गई है, जिस वजह से अभी इतना जो अच्छा व्यू है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये कोई मैजिक नहीं था, ये सब की सब क्या है? साइंस है, और ये प्योर साइंस है। इसके अंदर कोई भी हैक नहीं है, किसी भी तरह का कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सब की सब साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंस एक्टिविटीज हैं। वे में चीजें समझना नहीं चाहते, बच्चे चीजें पढ़ना तो चाहते हैं पर इंटरेस्टिंग वे में, इसलिए हमने इस चैनल को स्टार्ट किया। केवल यही रीजन नहीं है, और भी रीजन है इस चीज के पीछे। अभी अगर मेरे सामने मुझे रोड पे कोई एक बच्चा नजर आए जिसको अगर नीड है, और अगर मैं उसकी हेल्प करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरी जेब में पैसा नहीं है। सो ये सबसे बड़ा फैक्टर था। किसी भी इंसान की लाइफ में दो चीजें होनी चाहिए, नंबर एक कि वो खुद ग्रो करे, और नंबर दो फिर अपने से नीचे वालों को सपोर्ट करे। ये दोनों चीजें करने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत होती है, और लाइफ में बहुत आगे जाना होता है। लेकिन ये कितने टाइम तक हम कर पाएंगे? अब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो भी मुझे गालियां देते हैं, मेरी फैमिली मेरे को गालियां देती है, सच बात है। क्यों? कि भाई सारा पैसा लाता है, खराब कर देता है, क्यों करता है ये सब? उनको नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, उनको बस ये पता है कि पैसा आता है और ये खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बच्चों, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या आप सपोर्ट करोगे? Yeah! और जितनी आवाज ये आई है, घर जाने के बाद उतना सपोर्ट दिखना भी चाहिए। खेमका स्कूल एंड रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड ऑल द स्टाफ, सभी को मैं थैंक्स करता हूं अगेन कि उन्होंने मुझे इस स्टेज पे आकर के और ये सब करने के लिए चांस दिया, आप लोगों के सामने मुझे अपनी बात रखने का चांस दिया। एंड थैंक्स टू ऑल स्टाफ एंड यू ऑल द स्टूडेंट्स।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक महीने पहले सर मेरे पास आए थे और उस समय मैं भी ये सोच रहा था कि साइंस के प्रैक्टिकल जनरली हम क्लास में करवाते हैं, प्रैक्टिकल लैब में लेके जाते हैं, तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन सर मेरे पास बैठे, काफी देर हमने बातें की और मुझे लगा कि वास्तव में कुछ अलग हटके प्रैक्टिकल करते हैं। और जब सर से मेरी विस्तार से बात हुई तो मैंने ये वीडियो इनके मोबाइल में मैंने सर्च किए, चेक किए और इन्होंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, तो मैंने इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके बाद मैंने जैसे भी टाइम मिलता है मैंने घर पर जाकर के इनकी वीडियो देखी, बहुत अच्छा लगा। सामान लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, इनकी टीम के साथ काम करती है, ये अपना स्कूल समय से बाहर टाइम निकाल करके घर पर या हमारे पास पहुँच रही है। आप भी मैं कहना चाहूँगा इनको सपोर्ट करें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितेश जी का कि हमारे बीच में समय निकाल करके पहुँचे और आगे भी इस प्रकार की वीडियो बनाते रहें, क्योंकि इनके पास इतना समय नहीं होता कि प्रत्येक स्कूल में जाके बार बार उनको दिखाया जाए। सर मैनी मैनी थैंक्स टू यू फॉर योर वार्म वर्ड्स। जो रियल सपोर्ट है वो आप बच्चों का है, ये मेरे अकेले की बात नहीं है, ये मेरी पूरी टीम की बात है। और आने वाले समय में अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि मैं भी आपको बहुत सारे लोगों की सपोर्ट करते हुए नजर आऊंगा। सो यस, थैंक यू अगेन एंड जय हिंद जय भारत।